हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि बैक ऑन ड्राइव को अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट और रिवर्स डायरेक्शन में स्लो चलाना है। जैसे अभी फॉरवर्ड में 35, रिवर्स में 25, फॉरवर्ड में फास्ट और रिवर्स में स्लो चलाना है, या सेट फ्रीक्वेंसी, जो भी सेट हम फ्रीक्वेंसी करें उस फ्रीक्वेंसी में फॉरवर्ड में चले और रिवर्स में जो सेट फ्रीक्वेंसी करे उस फ्रीक्वेंसी पे रिवर्स में चले। तो ये सब करने के लिए हमें ड्राइव में क्या क्या पैरामीटर सेट करने होते हैं और हमें कैसी वायरिंग करनी होती है, तो ये सब सीखेंगे। सबसे पहले हम ड्राइव की वायरिंग करना सीखेंगे, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने ड्राइव को फॉरवर्ड और रिवर्स में ऑन करने के लिए दो सेलेक्टर स्विच लिए हैं। दोनों में हमने एनो ब्लॉक यूज़ किया है। कंट्रोलिंग के लिए हमने 24 वोल्ट 8 पिन रिले यूज़ किया है, फॉरवर्ड के लिए भी और रिवर्स के लिए भी। रिले में जो 2 और 7 नंबर का टर्मिनल है, ये कॉइल की सप्लाई है। 2 और 7 में हम कॉइल में सप्लाई देंगे और इसमें दो पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है। 1, 3, 4 और 8, 5, 6। 1 और 4 एन सी है और 1 और 3 एन ओ है। 8 और 5 एन सी है और 8 और 6 एन ओ है। सबसे पहले हम जो एस एम पी एस से सप्लाई लेंगे, 0 वोल्ट एस एम पी एस सप्लाई लेंगे, उसको हम दोनों रिले के 7 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। एस एम पी एस से जो सप्लाई लेंगे 0 वोल्ट, उसको हम दोनों रिले के 7 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो पॉजिटिव सप्लाई होगी, जो एस एम पी एस से जो पॉजिटिव सप्लाई लेंगे, उसको दोनों सेलेक्टर्स के एक एक पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। सेलेक्टर स्विच के एक एक पॉइंट में कनेक्ट करने के बाद हम रिवर्स का जो सेलेक्टर स्विच है, इसके जो दूसरे पॉइंट से जो वायर निकलेगा उसको हमें फॉरवर्ड से इंटरलॉक करना है, कि जब हम फॉरवर्ड चलाएं तो रिवर्स ऑन ना हो और जब रिवर्स चलाएं तो फॉरवर्ड ऑन ना हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ से जो वायर निकलेगा उसको हम जो फॉरवर्ड का रिले है उसको उसके हम 8 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। 8 नंबर पॉइंट, यहाँ से जो वायर निकलेगा उसको हम 8 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद जो एन सी है, एन सी 8 और 5 में के बीच एन सी है, तो जो एन सी से वायर निकलेगा उसको हम रिवर्स के जो कॉइल है, रिवर्स के रिले की जो कॉइल 2 नंबर टर्मिनल है, जो 5 से वायर निकलेगा उसको हम रिवर्स के कॉइल में देंगे 2 नंबर टर्मिनल में इस तरह से। जब हम रिवर्स को ऑन करेंगे, अगर फॉरवर्ड वाला रिले ऑफ रहेगा, मतलब एन सी रह गई है, तभी हमारा रिवर्स वाला कॉइल है ऑन होगा। इस तरह से हमने रिवर्स की वायरिंग की, उसी तरह से हम फॉरवर्ड के लिए करेंगे। तो क्या करें, फॉरवर्ड में जो यहाँ से सेलेक्टर स्विच के दूसरे नंबर टर्मिनल से वायर निकलेगा उसको हम रिवर्स के 8 नंबर पॉइंट में देंगे। फॉरवर्ड से जो वायर निकलेगा यहाँ से, उसको हम रिवर्स के जो रिले यूज़ किया हमने 8 नंबर पॉइंट, उसे कनेक्ट करेंगे इस तरह से। और यहाँ से जो एन सी, जो 5 और 8 के बीच एन सी है, तो जो 5 नंबर से निकलेगा वायर, यहाँ से जब वायर निकलेगा जो, उसको हम फॉरवर्ड का जो रिले है उसके 2 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। 2 नंबर टर्मिनल में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो अभी क्या होगा, जब हम फॉरवर्ड के सेलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे, अगर रिवर्स का रिले ऑन रहेगा तो ये एनओ अगर रहेगा, 8 और 5 के बीच में एनओ रहेगा, तो हमारा जो फॉरवर्ड का रिले ऑन नहीं होगा। तो जब भी हमें फॉरवर्ड को ऑन करना है तो रिवर्स का रिले ऑफ होना चाहिए, मतलब 5 और 8 के बीच एन सी होना चाहिए, तो ही हमारा फॉरवर्ड का रिले ऑन होगा। इस तरह से हमने कंट्रोलिंग कर ली। अब हम उसके बाद ड्राइव की वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले ड्राइव की वायरिंग करने के लिए हम ड्राइव का जो कॉमन है, ड्राइव का जो कॉमन टर्मिनल है COM कॉमन, यहाँ से जो वायर निकलेगा, जो रिले के दोनों रिले फॉरवर्ड और रिवर्स के, उसका एक रिले पोटेंशियल फ्री रिले खाली है अभी, तो इसके हम टर्मिनल नंबर वन दोनों रिले के टर्मिनल नंबर 1 में देंगे। यहाँ से जो कॉमन वायर आएगा उसको दोनों रिले के टर्मिनल नंबर 1 में कनेक्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद
जो दोनों रिले का 1 और 3 NO है, दोनों रिले का 1 और 3 नंबर का जो टर्मिनल है NO है, तो हम क्या करेंगे, जो फॉरवर्ड का रिले है उससे जो 3 नंबर से वायर निकले, NO से जो वायर निकलेगा उसको हम DI1 और DI4 में कनेक्ट करेंगे। DI1 में जब कमांड जाएगी तो ड्राइव फॉरवर्ड में ऑन होना चाहिए, तो हमें यहाँ से जो वायर निकलेगा उसको हम DI1 और DI4 में, फोर में हम इसलिए कनेक्ट करेंगे कि जब हम ड्राइव को फॉरवर्ड में ऑन करें तो हमारा ड्राइव फास्ट में ऑन हो, तो हम इसके लिए बाद में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हम इस 3 नंबर से जो वायर निकलेगा उसको DI1 और DI4 में कनेक्ट करेंगे। इस तरह से DI1 और DI4 में कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद जो रिवर्स का रिले है उसका जो 3 नंबर से जो वायर निकलेगा उसको हम DI2 और DI5 में कनेक्ट करेंगे। DI2 में कनेक्ट करेंगे तो ड्राइव रिवर्स में, और उसको हम बाद में प्रोग्रामिंग करेंगे, तो DI2 रिवर्स के लिए और DI5 स्लो स्पीड के लिए। इस तरह से हम जब ड्राइव को फॉरवर्ड में फास्ट और रिवर्स में स्लो चलाना है तो इस तरह से वायरिंग करेंगे। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग देखते हैं। प्रोग्रामिंग में हम सबसे पहले ड्राइव को, जब भी हम प्रोग्राम करते हैं उसके पहले हमें ड्राइव को रिसेट कर लेना चाहिए। तो रिसेट का पैरामीटर है, प्रोग्रामिंग मोड को प्रेस करते हैं, पैरामीटर है F0, एंटर करते हैं। F0.20 में जाना है, जो रिसेट का पैरामीटर होता है फैक्ट्री रिसेट का। F0.20 एंटर करते हैं, यहाँ जीरो है इसे 1 करते हैं और एंटर कर देते हैं। हमारा ड्राइव फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग में रिसेट हो गया है। एक बार हम ड्राइव को रिस्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमारा ड्राइव फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग में रिसेट हो गया है। सबसे पहला पैरामीटर होता है टर्मिनल से स्टार्ट स्टॉप का, इसका पैरामीटर है F0.01। प्रोग्राम की को प्रेस करते हैं, F0 एंटर करते हैं, F0.01 एंटर करते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 है, इसको हमें यहाँ पे 1 करना है। 1 का मतलब होता है टर्मिनल, टर्मिनल से हमारा ड्राइव स्टार्ट और स्टॉप होगा। हमने स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए सेलेक्टर स्विच लिया है, हम यहाँ पे 1 सेट कर देंगे। तो 1 का मतलब होता है स्टार्ट और स्टॉप जो होगा टर्मिनल से होगा। उसके बाद पैरामीटर आता है F0.03, F0.03 का मतलब होता है जो ड्राइव की फ्रीक्वेंसी होगी, जो ड्राइव की फ्रीक्वेंसी हमें करना है, चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तभी हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी भी टर्मिनल से चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे F0.03 में, यहाँ पे 6 सेलेक्ट करना है। जब हमें ड्राइव को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे चालू करना है फॉरवर्ड और रिवर्स में, तो हमें यहाँ पे पैरामीटर F0.03 में 6 सेलेक्ट करना है। इन्हें 6 सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद हम इसके इनपुट डिफाइन करते हैं कि किस इनपुट में हमने फॉरवर्ड का कनेक्शन किया है और रिवर्स का कनेक्शन किया है। तभी हमने फॉरवर्ड का DI1 में कनेक्ट किया है और रिवर्स को DI2 में कनेक्ट किया है। इसका पैरामीटर है F5 ग्रुप है, F5 ग्रुप में जाते हैं, एंटर करते हैं F5.00। F5.00 का मतलब होता है डिजिटल इनपुट 1, एंटर करते हैं। अभी हमें जो डिजिटल इनपुट नंबर 1 है उससे ड्राइव फॉरवर्ड में चालू होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब होता है फॉरवर्ड, तो हमें इसे 1 करना है। अभी 1 है तो हमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे इसमें। प्रोग्राम की को प्रेस करके बाहर आते हैं। उसके बाद जो इनपुट रिवर्स का इनपुट है हमने DI2 में कनेक्ट किया है। DI2 का इनपुट है, पैरामीटर है F0.01, एंटर करते हैं। यहाँ पे 02 है, 02 का मतलब होता है रिवर्स रनिंग, तो हमें यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे भी बाई डिफ़ॉल्ट 02 है, तो हमें इसे 02 रन देना है और प्रोग्राम की को प्रेस करके बाहर आते हैं। उसके बाद हम पैरामीटर F5.03 में जाते हैं, F5.03 का मतलब है जो फास्ट वाला इनपुट है, लूप किया है हमने DI1 और DI4 को लूप किया है। जब फॉरवर्ड ड्राइव फॉरवर्ड सेलेक्ट करें तो उसकी स्पीड, तो हमें यहाँ पे जो F5.03 में यहाँ पे हमें मल्टी स्पीड 1,
जो मल्टी स्पीड वन टर्मिनल वन है वो सेलेक्ट करना है। वन टू, वन टू का मतलब होता है मल्टी स्पीड टर्मिनल वन, वन टू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वन टू है, अभी इसको प्रोग्रामिंग की को प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। जो रिवर्स का इनपुट है हमने उसको DI2 और DI5 के साथ लूप किया है, तो उसका पैरामीटर है F5.04, F5.04 एंटर करते हैं। यहाँ पे 13 है, 13 का मतलब होता है मल्टी स्पीड टर्मिनल टू, मल्टी स्पीड टर्मिनल टू सेट है, एंटर कर देते हैं। हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, अगर 13 ना हो तो हमें यहाँ पे 13 करना है। उसके बाद हम प्रोग्राम की को प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हमें पैरामीटर ग्रुप FD में जाना है, पैरामीटर ग्रुप FD, FD इसमें हमें फॉरवर्ड का जो फ्रीक्वेंसी हमें सेट करना है, तो हमें इसके लिए पैरामीटर FD.01, FD.01 जो इनपुट हमने DI4 में कनेक्ट किया है, जो फॉरवर्ड के साथ जो DI1 और DI4 को हमने लूप किया है, तो DI4 में जो हमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी है तो उसका पैरामीटर है FD.01। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 00 है, ये परसेंटेज में हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो सेलेक्ट करनी है परसेंटेज में सेलेक्ट करनी है। अभी हम इसको 70% सेलेक्ट कर लेते हैं, 70% कि जब भी डिजिटल इनपुट 4 आए तो हमारी ड्राइव 70% में ऑन हो जाए। जो भी हम ड्राइव की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे उसका 70% में ड्राइव ऑन हो जाए, तभी हमने यहाँ पे 70 सेलेक्ट कर दिया, 70%। और जो DI5 है, जो रिवर्स का इनपुट है, DI5 में कनेक्ट है स्पीड के लिए, तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 है, इसको भी हम 25% कर देते हैं। ट्वेंटी फाइव परसेंट कर दिया हमने, और अब हम प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ जाते हैं। हम ड्राइव का एक्सलेशन और डी एक्सलेशन टाइम भी सेट कर देते हैं, इसका पैरामीटर है F0.18। अभी यहाँ एक्सलेशन टाइम 10 सेकेंड है, इसको हम 2 सेकेंड कर देते हैं। और डी एक्सलेशन पैरामीटर है F0.19, इसको भी हम 2 सेकेंड कर देते हैं, तो हमारी ड्राइव 2 सेकेंड में ऑन और 2 सेकेंड में ऑफ हो जाएगी जब भी हम ड्राइव को ऑन ऑफ करेंगे। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ जाते हैं। अब हम ड्राइव को फॉरवर्ड में ऑन करते हैं, फॉरवर्ड जैसे ही ऑन की तो 35 हर्ट्स में ऑन हो गई ड्राइव, हमने 70% सेलेक्ट किया था। उसके बाद हम रिवर्स ऑन करते हैं, रिवर्स में 12 हर्ट्स में ऑन हुई, हमने परसेंटेज में 25% सेलेक्ट किया था, तो हमारे ड्राइव फॉरवर्ड में फास्ट और रिवर्स में स्लो में ऑन हो रहा है। इस तरह से हम अगर ड्राइव को फॉरवर्ड में फास्ट और रिवर्स में स्लो चलाना है, या रिवर्स में फास्ट और फॉरवर्ड में स्लो चलाना हो तो प्रोग्रामिंग करते हैं। हम पैरामीटर FD ग्रुप में अगर स्लो फास्ट जो भी चलाना हो उसके हिसाब से पैरामीटर में फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा।